हेलो दोस्तों, शिखा की रसोई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ठंड के मौसम में मेथी और मटर दोनों ही बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मलाई मटर, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, 1 कटोरी फ्रेश क्रीम, 150 ग्राम मेथी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 बड़े साइज का प्याज, 1 कटोरी हरी मटर, 10 से 15 काजू, 4 से 5 कलियां लहसुन की, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 3 से 4 अदरक के टुकड़े, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार। चलिए अब मेथी मलाई मटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है। अब उसमें हम ये मेथी डालेंगे, इसको डाल के बॉयल करेंगे। ये बॉयल हो चुका है, देखिए इसको बॉयल होने में 5 मिनट लगे हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान के पानी से अलग कर देंगे। ठीक इसी तरह से 5 मिनट तक हम मटर को भी बॉयल कर लेंगे। तो मेथी को मैंने पानी से अलग कर लिया है। मेथी को बॉयल करने से उसका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो चलिए अब मटर को बॉयल कर लेते हैं। कढ़ाई को मैंने वापस गैस पे रख दिया है, अब इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे हरी मटर। हरी मटर डाल के इसको ढक देंगे। ढक के हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक हम बॉयल करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मटर हमारा बॉयल हो गया है। अब हम इसको भी पानी से छान के अलग कर लेंगे। तो मैंने गैस पे रख दिया है। गैस पे रखने के बाद गैस को ऑन कर दिया है। फिर उसमें मैंने डाला है प्याज। प्याज के बाद डालेंगे लहसुन की कलियां, अदरक, काजू, इन सभी को डाल के इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब इन सभी को बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब इन्हें बॉयल होने देते हैं। प्याज बॉयल हो चुका है, इसको बॉयल होने में 10 से 12 मिनट लगे हैं। बॉयल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको हम छान के अलग कर लेंगे। इसको छान के मैंने पानी से अलग कर लिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा करके हम पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बना के मैंने रेडी कर लिया है। कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे ये पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी। लाल मिर्च पाउडर ये मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल वाइट ग्रेवी चाहिए तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल मत करिएगा। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला। 2 से 3 मिनट तक और इसको भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक अब हम इसको ढक के पकाएंगे। 3 मिनट तक इसको भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे मेथी जो हमने बॉयल करके रखा था। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मटर, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सभी को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब इसको एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। क्रीम को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे दूध।
ये एक कप दूध जो मैंने लिया था उसे मैं डाल रही हूँ इसमें। आप इसकी जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मेथी मलाई मटर थोड़ा मीठा होता है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे और ढक के 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारा मेथी मलाई मटर बनके तैयार है। अब यहाँ मैंने थोड़ी थिक ग्रेवी लिया है, आपको अगर पतला चाहिए तो आप इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस समय हमने दूध डाला उसी समय आप 1 कप दूध और डाल दीजिए या फिर 1 कप पानी डाल दीजिए। तो बस अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। मेथी मलाई मटर बनके तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बना है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।